हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं सुनील रोहिला आपको अपने यूट्यूब चैनल SR मास्टर क्लास पे स्वागत करता हूँ। आज फिर एक ग्रुप डी के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई है भाई, वो आपको न्यूज़ में देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। देखिए ध्यान से, ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की सूची सार्वजनिक फर्जी मिला तो खिलाड़ी पर दर्ज होगा केस। भाई ये वो ग्रुप डी के जो भर्तियाँ आपने देखी होंगी स्पोर्ट्स कोटे की थी, जिसके अंदर काफ़ी बच्चे फर्जी निकले थे जो अपने सर्टिफिकेट लेके आए थे। अब उनके लिए ग्रुप डी की सरकार ने अपनी सूची जारी कर दी कि भाई ये बच्चे आएंगे, हमने इनको सर्टिफिकेट जारी किया है। तो आप देख सकते हैं कि अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति 1 सप्ताह तक इन सर्टिफिकेट पर अपनी आपत्ति जता सकता है। हालांकि विभाग ने इन खिलाड़ियों को अंतिम मौका दिया है जिन्होंने गलत प्रमाण पत्र बनवाया था। ठीक है, तो ये किस जिले के कितने हैं देखो, रोहतक के अब 190 हैं, सोनीपत के 97, कैथल के 92, 75, 78, तो इस तरह से कुल आपके 809 हैं। ठीक है, तो ये अभी 18 जिलों की सर्टिफिकेट सूची डाली गई है। 4 जिले फतेहाबाद, हिसार, भिवाणी जिले का डाटा एकत्रित किया जा रहा है, जल्द ही उसे भी सार्वजनिक किया जाएगा। जो आपके पंकज नैन है, IPS खेल निदेशक है, उन्होंने बोला है कि ग्रेडेशन प्रणाली में पारदर्शिता के लिए ये फैसला लिया है, इससे नकली खिलाड़ियों की पारदर्शिता पर्दाफाश होगा और असली खिलाड़ियों को मौका मिल सकेगा। जिन्होंने भी गलत प्रमाण पत्र बनवाए हैं वह खुद इस पर वापस कर सकते हैं, बाद में कोई गड़बड़ी मिली तो उसके खिलाफ केस दर्ज किए जाएंगे भाई। ठीक है, तो अभी इनकी तो लिस्ट जल्दी आएगी ग्रुप डी की, और उसके बाद जो भाई रेगुलर लिस्ट है वो भी जल्दी आने की पूरी पूरी संभावना है आपकी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी नया है तो, और कमेंट में जरूर बताएगा आपकी न्यूज़ कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।